सो हे गाइस, कैसे हो? आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक छोटा सा हाउस प्लान, एक बेहतरीन हाउस प्लान। तो देखिए कैसे मैंने इसको प्लान किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्लान। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका मेज़रमेंट लेंगे, प्लॉट साइज 17x25 का। तो अपना ये वॉल ड्रॉ हो चुका है। अब मैं इसका ये 17x25 का एक हाउस प्लान है। आगे मैं इसका फुल डायमेंशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए कैसे मैंने इसको प्लान किया है। अब ये प्लान ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसका स्टेयर केस ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखिए कैसे मैंने इसको इतने कम स्पेस में मैंने ये स्टेयर केस डिज़ाइन किया हुआ है। स्टेयर का राइजर आपको रखना है 5 इंच एंड इसका ट्रेड जो रखना है आपको 10 इंच का रखना है। ये बेहतरीन रहेगा। ये जो प्लान आप देख रहे हैं इसको मैंने पूरे वास्तुशास्त्र के गाइडलाइंस के हिसाब से रखा है। तो ये आपको बस एक आइडिया देने के लिए है। अगर आपको ये इसमें कुछ गलत लगे तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। और इसमें जो मेरा नॉलेज है थोड़ा सा उसको मैंने शेयर किया है आपके साथ। तो अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। सो अभी मैं इसका कलर कर रहा हूँ एंड कलर होने के बाद से ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए इसके बाद से मैं आपके साथ इसका डायमेंशन शेयर करूँगा। तो इसमें कहाँ विंडो रखना है, कहाँ इसका डोर कहाँ आएगा, वेंटिलेशन कहाँ आएगा, सो यही मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको समझने में आसानी होगी और कुछ नहीं है बस। तो अब चलिए अब मैं इसका डायमेंशन आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहिए, मेन गेट, उसके बाद से एंटर करेंगे अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। छोटा सा एरिया है, आप चाहें तो इसको ड्राइंग एंड डाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसका साइज मैंने रखा है 10 फीट बाय 13 फीट 5 इंच। उसके बाद से अपना स्टेयर यहाँ से अप 2 फीट 9 इंच चौड़ा रखा है मैंने, और यहाँ पे भी 2 फीट 9 इंच। उसके बाद से अपना बेडरूम, जिसका साइज मैंने रखा है 10 फीट बाय 13 फीट 8 इंच। ये बेहतरीन आपका बेडरूम होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्लान अच्छा लग रहा होगा। उसके बाद से हम अपना किचन का साइज देखेंगे। इसको मैंने रखा है 7 फीट 9 इंच बाय 5 फीट 9 इंच का। ये इतने कम स्पेस में मैंने ये आपके लिए इतना अच्छा सा प्लान किया है। उसके बाद से अपना ये बाथ कम लेटरिन, जिसका साइज मैंने रखा है 5 फीट 5 इंच बाय 5 फीट 9 इंच का। तो आगे देखिए मैंने इसका डोर का एंड विंडो वेंटिलेशन सबका डोर का डिज़ाइन करके रखा है। आगे मैं शेयर करूंगा आपके साथ। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि मैं ऐसे और हाउस प्लान आपके लिए लाता रहूंगा। तो वॉल साइज आपको इनर प्लस आउटर 5x5 इंच का रखना है एंड वेंटिलेशन साइज 2 फीट x1 फीट का एंड डोर साइज आपको रखना है 3 फीट 6 इंच x 7 फीट का एंड टॉयलेट का डोर 2 फीट 6 इंच x 7 फीट का एंड वेंटिलेशन 3 फीट 4 इंच 4 फीट 5 इंच एंड 3 फीट 5 इंच का। तब तक के लिए बाय, लव यू।